नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हम मौजूद हैं राजभवन में, जो कि रांची का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, क्योंकि राजभवन रांची के बीचों बीच है। और सिर्फ राज्यपाल ही नहीं बल्कि सीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारी यहां पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े अधिकारियों के यहाँ पर घर है, लेकिन यहाँ की स्थिति कितना बद से बदतर है। गंदगी का सैलाब है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि राजभवन के समीप गंदगी का सैलाब कहाँ से आया। आप हमारे पीछे जैसा देख सकते हैं कि ये एक वॉशरूम बनाया गया है राजभवन धरना स्थल में, जिसमें धरनाकारी जाते हैं वॉशरूम। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से वॉशरूम का जो गंदा पानी है वो लीक कर रहा है, वो हमेशा लीक करता है और ऐसा स्मेल करता है कि आप यहाँ पे 2 मिनट खड़े होना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही जैसा आप देख सकते हैं, सारा एक ये कहना गलत नहीं होगा कि ये धरना स्थल नहीं बल्कि ये कचरा स्थल बन गया है। तो धरना स्थल को जहाँ पे वॉशरूम लोगों के सहूलियत के लिए होना था, वहीं इसे कचरा स्थल बना के लोगों के लिए जहन्नुम बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सब वॉशरूम के अंदर का पानी है, जो कि सही से डिस्चार्ज नहीं होने के कारण रोड पर आ रहा है और रोड को गंदगी से फैला रहा है। हम आम जनता भी से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे वॉशरूम का स्मेल आता है यहाँ पर? हाँ, आता है सर जी। तो मुश्किल नहीं होता यहाँ पे? कैसे मुश्किल तो होवे करता है, का कीजिएगा, जिंदगी है, पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो है। पेट है तो कुछ ना कुछ तो करना ही ना है जी। यानी पेट के लिए आपको वॉशरूम के सामने भी बैठना पड़ रहा है? हाँ। इस तो सरकार प्रशासन ना ध्यान देगा कि का है, नहीं है, खराब है, अच्छा है, वही ना बोल सकता है। हम लोग का बोलेंगे, हम लोग का क्या दम है? तो सरकार तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान तो सरकार ही नहीं देगा, हम लोग क्या देंगे? आपने कभी कोशिश किया यहाँ पे इतना धरना होता है जेएमएम ये सब का बोलने की? नहीं, हम लोग काहे बोलेंगे, प्रशासन से आदेश होता है तब ना धरना आता है जी। ओके, दिक्कत तो बहुत होती होगी वॉशरूम का स्मेल सुबह शाम आता होगा। जी जी, आपको लगता है राजभवन में ये हालत है तो और रांची के शहर में क्या हालत होता होगा? अभी मैं यहाँ 21 दिनों से धरना पर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ बहुत अधिक समस्या है। धूप में मैं बैठा रहता हूँ, पानी पड़ता है, उसमें पानी में भींगता हूँ। परसों पानी पड़ रहा था और दिन भर में पानी में भींग रहा था, रात में भी मैं भींग रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। यहाँ पानी पीने का भी सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और यहाँ वाशरूम का भी बहुत समस्या है। टॉयलेट तो यहाँ लगा दिए हैं लेकिन इसमें कुछ सुविधा नहीं है, सीढ़ी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यहाँ मैं जब भी मुझे जाना होता है टॉयलेट वगैरह तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। हॉस्टल वगैरह में मैंने बात किया है और वहाँ जाता हूँ। यहाँ दुर्गंध भी आता है इससे और इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं बार बार कॉल करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। बोलते हैं कि ठीक करा दिया जाएगा लेकिन कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बहुत गंद आता है, दुर्गंध आता है, लेकिन क्या करूँ क्या? मैं कॉल तो करता हूँ लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। कुछ राजभवन में जब ये हालत है कि बाकी जगह क्या हालत होता होगा? बाकी जगह का तो सब लोग जान ही रहे हैं। यहाँ का जब यहाँ राजभवन है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ का स्थिति इस तरह है तो, और दूसरे जगह का तो लोग वैसे ही जान ही रहे हैं कितना ख़राब स्थिति है। मैल आता होगा वॉशरूम, कैसे आप लोग जाते हैं? लीकेज होता है राजभवन के समय ये हालत है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राजभवन के पास में इतना बड़ा गंदगी फैला हुआ है और इसको नगर निगम ही नहीं बल्कि राज्यपाल भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रही। मैं तो यही कहूँगा इसलिए कि सीधा सीधा यहाँ से स्मेल आती है। आज तक मैंने नगर निगम वालों के पास में कई बार फ़ोन किया है लेकिन इस पर कोई कड़ा पहल लिया नहीं गया है। मैंने बोला कि इस पर जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए, इसके लिए नया व्यवस्था करके यहाँ पर लाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर तो कई माँ बहन भी आते हैं लेकिन मजबूरी वश के यहाँ पर नहीं रह पाते हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी कमी दिखाई पड़ता है क्योंकि मुझे मजबूरी वश उनकी सुरक्षा, उनकी स्थिति को देखते हुए दूसरे जगह में रखना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान तो बड़ा चलाया गया था। ये स्वच्छ भारत अभियान केवल नाम मात्र का है, देखने से कुछ भी नहीं है धरातल पर, यहाँ पर लीकेज है। अभी आप कोई भी यहाँ पर जाएगा तो स्पष्ट तौर पर से दिखेगा कि यहाँ पर लीकेज अभी पड़ा हुआ है। ये केवल स्वच्छ भारत का होर्डिंग लगा देने से या बैनर लगा देने से स्वच्छ नहीं हो जाता है। सबसे पहले तो इनकी मन में सफाई आनी चाहिए लेकिन ये गंदगी पड़े हुए हैं सब। तो जैसा आपने देखा कि लोगों का कहना था कि यहाँ पे सांस लेना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी हुआ है कि डाब बेचने वालों के पैर तक पानी आ गए हैं, उनके डाब तक खराब हो जाते हैं वॉशरूम के पानी से।
कई बार कहते हैं कि दुकान छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि इतना स्मेल होता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे धरनाकारी जो कि अपना घर परिवार छोड़कर अपने मांगों के लिए यहाँ बैठे रहते हैं वो कैसे दिन रात काटते होंगे, और सबसे बड़ी बात इस वॉशरूम के अंदर वो जाते कैसे होंगे। अगर राजभवन के समीप ये हालत है, आप समझ सकते हैं कि रांची के अन्य एरिया और अन्य जगहों पर क्या हालत होगा। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द संज्ञान ले, क्योंकि अगर सफाई नहीं तो बीमारी होगी। स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े मिशन तो है लेकिन हड़ताल पे शून्य है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।